अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गीलानी और आप देख रहे हैं गीलानी लॉग्स। मुसलमान बादशाह हों, उनके अम्माले हुकूमत हों, मशाहिर हों, दौलतमंद अफराद हों, साहिब सरबत लोग हों, उनमें से किसी ने भी मसाजिद बनाने में किसी बुखल से काम नहीं लिया। हर किसी ने कोशिश की कि एक से बढ़कर एक मस्जिद बनाई जाए, पहले से ज़्यादा खूबसूरत मसाजिद बनाई जाए। दिल्ली के सल्तनत के बादशाहों को ले लें, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने तौर पर कोशिश की, बलबन ने अपने तौर पर कोशिश की, सादात खानदान ने अपने तौर पर कोशिश की, फिर मुग़ल आ गए। मुग़लों में बाबर और हुमायूं को तो खैर इतना मौका नहीं मिल सका सल्तनत कायम करने के चक्कर में, लेकिन उसके बाद जो बादशाह आए अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब आलमगीर, इन लोगों ने जो फ़न तामीर थी ना सिर्फ उसकी सरपरस्ती की बल्कि अपने फ़न तामीर में मसाजिद की तामीर को बतौर ख़ास शामिल किया। मैं इस वक्त एक ऐसी मस्जिद में खड़ा हूँ जो वाकई तारीखी मस्जिद है और इसके बारे में वह तो वैसे इख्तलाफी राय, लेकिन पहले मैं एक राय बताता हूँ और उसके बाद मैं दूसरी बताता हूँ। पहली राय तो यह है कि ये शाहजहाँ या औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में बनी। इसका नाम है साबी मस्जिद। मुल्तान में वैसे तो जो है वो जो है हर गली में कई कई पीर बैठे हैं, हर गली में कई कई मज़ार हैं, लेकिन कहीं कहीं अच्छी मसाजिद भी हैं, तारीखी मसाजिद भी हैं, और उन्हीं तारीखी मसाजिद में से एक ये साबी मस्जिद है। साबी मस्जिद मुल्तान घंटाघर के करीबी इलाके कोटला कूले खान की गुंजान और पुरपेच गलियों में वाक़े है। कहते हैं ये इलाका गयासुद्दीन तुगलक ने उस ज़माने में आबाद किया था जब वो मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था, और शुरू में इस इलाके का नाम तुगलक आबाद ही था। अब भी जो बाहर की सड़क है उसे तुगलक रोड कहते हैं, लेकिन जो मोहल्ला है वो तुगलक आबाद से मतलब उसका नाम बदला और बिगड़ कर अब वो कोटला तूले खान हो गया हुआ है। साबी मस्जिद जो है वो असूली तौर पर है जो तुगलक रोड पर, लेकिन आपको अंदर जाने के लिए अच्छी खासी पुरपेच गलियों में से गुजरना पड़ेगा और बगैर पूछे आप मस्जिद तक पहुंच नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका नाम साबी क्यों है। ये इसकी तामीर में नीले रंग और फिरोज़ी रंग को ज़्यादा अहमियत दी गई है, और फिरोज़ी रंग को सराय की ज़ुबान में या तो सब्ज़ी कहते हैं यानी सब्ज़ी रंग कहते हैं, या कहते हैं सावी रंग। तो उस मुनासबत से इस मस्जिद का नाम ही सावी मस्जिद है। तो एक रवायत तो मैंने बता दी कि इसे जो है वो मुग़ल बादशाह शाहजहां या आलमगीर के दौर में तामीर किया गया, और दूसरी रवायत यह है कि नहीं, इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दौरे हुकूमत में जब वो मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था उसने उस वक्त इसे तामीर कराया था 1305 ईस्वी के लगभग। रिवायतें मुख्तलिफ हैं लेकिन मस्जिद एक है। हाँ, ये मस्जिद दूसरी मस्जिदों से कदरे मुख्तलिफ है। वैसे तो कहते हैं जी कि जो इसकी पुरानी तस्वीरें हैं उसमें इसकी छत भी थी, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, जो मैंने इस पर जो तहकीक की है उसके मुताबिक इसे बतौर मस्जिद तामीर नहीं किया गया था बल्कि बतौर ईदगाह तामीर किया गया था। और आपको पता है कि ईदगाहों की जो है वो छतें आम तौर पर नहीं होती, इसीलिए इसे आम मस्जिद से मुख्तलिफ कहा जाता है। लोग कहते हैं इसके मीनार भी थे, होंगे यकीनन होंगे, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक इसके मीनार नहीं थे और ना ही इसके गुंबद थे। हालांकि कुछ निशान ऐसे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ निशान ऐसे हैं जहाँ लगता है कि कभी जो है वो गुंबद रहे होंगे, लेकिन कहते हैं कि इसकी 20 मेहराबें थीं और वो 20 मेहराबें अब तो ख़त्म हो चुकी। ये मैं मस्जिद का मंज़र आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ये असल में उसका दाखिली रास्ता है, दाखिली दरवाज़ा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ कभी गुंबद रहा होगा, लेकिन ये कि वो गुंबद के बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि गुंबद नहीं थे बल्कि वो मेहराबें थी। और जो दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि इसकी दीवारें, ये नीले रंग की जो है वो दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी,
इन पर जो है वो अशार लिखे हुए हैं मारूफ फारसी शायर जामी और अबू साद खैर के। ये जो है वो मस्जिद की दीवारों पर चारों तरफ जो है वो ये अशार जो है वो कंदा हैं। इससे मस्जिद की खूबसूरती भी बढ़ती है और एक मुख्तलिफ रंग भी मिलता है। अच्छा, चूँकि इसकी छत नहीं है तो लिहाजा अब इसे बतौर मस्जिद इस्तेमाल किया जा रहा है। नमाज पंजगाना होती है और गालिबन जुमे की नमाज भी होती है, लिहाजा नमाजियों को धूप से और सर्दी से बचाने के लिए ये ऊपर जो है वो तुरपाल डाली हुई है। ये तुरपाल जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, ये तुरपाल से इस पर साया किया गया है। अच्छा, यहाँ मैं जो है वो एक बेहिसी की बात करूँगा कि ये मस्जिद जो है वो महकमा आसार कदीमा के हवाले की गई थी। आसार कदीमा ने सारे काम बुरे नहीं किए लेकिन सारे काम अच्छे भी नहीं किए। आसार कदीमा को फ़ंड मिले थे इस मस्जिद की जो है वो तज़ीनो आराइश के लिए, क्योंकि ये मस्जिद ऐसी मस्जिद है कि इस तरह की मस्जिदें दोबारा बनती नहीं। और 700 साल पर अगर गयासुद्दीन तुगलक के हवाले से देखा जाए तो 1305 से ये 2023 700 साल 800 साल का बनता है, और अगर आलमगीर के हवाले से भी देखा जाए तब भी ये 400-500 साल पुरानी मस्जिद है। तो होना ये चाहिए था कि आसार कदीमा का जो महकमा है वो मतलब ईमानदारी के साथ फंड खर्च करता और इस मस्जिद को इसकी तज़ीन और आराइश करके इसे इस काबिल बनाता कि वाकई ये तारीखी मस्जिद लगती। लेकिन उन्होंने ये किया कि ये देखें, ये जो है वो ईंटें ऐसे ही छोड़ दी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। ये महकमा आसार कदीमा का काम है। और मज़े की बात ये है कि अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको ये दीवार भी सीधी नज़र नहीं आएगी, यानी इतने माहिर कारीगरों से उन्होंने इसकी जो है वो मरम्मत करवाई। ये देखें, आधा हिस्सा जो है वो फिरोजी रंग और नीचे जो है वो खाली। इसी तरह ये दूसरा जो है वो मेहराब नुमा जो जगह बनी हुई है वो भी इसी तरह है। ऊपर जो अशार लिखे हुए हैं, मैंने बताया कि जामी और अबू साद खैर के जो अशार हैं वो भी कहीं से बिटबिटा गए हुए हैं। ये इसका बैरूनी हिस्सा है, ये बैरूनी दरवाज़ा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा महकमा आसार कदीमा जो हमारा विरसा है उस पर क्या लगा रहा है और अपनी जेब में क्या डाल रहा है। कभी कभी अफसोस होता है। मुझे पिछले दिनों पता चला कि नूर जहाँ के मकबरे को वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर के हवाले कर दिया गया है। अच्छा, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी सिर्फ जो है वो उस इलाके के लिए बनी थी जो इलाका लाहौर की फसील में आता था। मैं मुल्तान आया तो मुल्तान में पता चला कि यहाँ भी एक वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी मौजूद है। तो अगर महकमा आसार कदीमा जो है वो काम नहीं कर पा रहा, आदम शाही किला भी जो है वो वर्ल्ड सिटी या लाहौर अथॉरिटी को दे दिया, और नूरजहाँ का मकबरा जो शाहदरे में है वहाँ से 20 किलोमीटर के फासले पर है वो भी आपने जो है वो उनको दे दिया, तो फिर आसार कदीमा का महकमा ख़त्म कर दें। फिर पूरे पाकिस्तान में जो है वर्ल्ड सिटी या लाहौर अथॉरिटी का जो है वो उन्हें ठेका दे दें। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई मतलब हिस्सेदारी हो गवर्नमेंट के अफसरान की और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की जो डायरेक्टरान हजरात हैं, तो मुमकिन है उसी हिस्सेदारी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा हो कि कुछ तुम खा लेना कुछ हम खा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये रिवायत आम है। अच्छा, इस मस्जिद की एक दो ख़ास बातें और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मस्जिद के सहन के बिल्कुल वस्त में दो कब्रें हैं, और शुरू में हम ये समझे थे कि ये मुसलमानों की कब्रें नहीं हैं क्योंकि इनके जो कतबे हैं वो शुमाल की जगह जनूब की तरफ लगे हुए हैं। ये कब्र है, ये जो है वो इनकी तदफीन तो शुमालन जनूबन ही है, मतलब इस तरफ सर है और उस तरफ पाँव हैं। शुरू में हम ये समझे कि बनू करामता चूँकि एक अरसे तक जो है वो मुल्तान पर हुकूमत करते रहे हैं तो ये उनकी कब्रें होंगी, लेकिन बाद में अहले मोहल्ला ने और कुछ जो पुराने लोग जानने वाले थे उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये बनू करामता वालों की कब्रें नहीं हैं बल्कि ये मुसलमानों की ही कब्रें हैं। और ये जो दो कब्रें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें से एक कब्र जो है बहाउद्दीन खान की है और दूसरी किशो खान की है जो कभी गवर्नर मुल्तान हुआ करता था। कहा जाता है कि इन्होंने कोई ऐसी गलती की थी
जिसकी वजह से इनकी खालें उतरवा कर इन्हें दफन किया गया और मतलब सजा के तौर पर जो है वो इनके जो तख्तियां हैं मतलब जो कब्र के कतबे हैं वो शुमाल की बजाय जुनूब की समत लगा दिए गए यानी इनके पैरों की तरफ। मुझे फ़ारसी नहीं पढ़नी आती लेकिन ये एक जो है वो फ़ारसी की तख्ती है पहली कब्र पर जो है वो लगी हुई। ये जो है वो पहली कब्र मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये भी चूँकि मुझे नहीं पता चल रहा कि ये इनमें से जो है वो किशु खान कौन है और बहाउद्दीन खान कौन है और इसी तरह इसकी पुश्त पर जो है वो ये लिखा हुआ है कि इसका जुर्म क्या था। जो लोग फारसी जानते हैं मुझे तो जो है वो सिर्फ ये एक गद्दार जो है वो का लफ्ज़ लिखा हुआ समझ में आया है गद्दार ये गद्दार। अब इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने कोई ऐसी गद्दारी की थी जिसकी जो है वो इन्हें सज़ा मिली और इनकी खालें उतरवा कर बाकायदा जो है वो इन्हें जो है वो दफन किया गया। अब ईदगाह के अहाते में दफन किया गया इसमें क्या मसलहत थी ये नहीं पता कोई नहीं बता सकता। ये दूसरी खबर है इस पर चूँकि जो है वो एक फूल सा बना हुआ था तो ये जो फूल है तो हम यही समझे थे कि ये किसी खातून की खबर है लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये दोनों मर्द हजरात हैं और इनमें खातून कोई नहीं है। अलबत्ता इनकी दोनों की खालें खिंचवा कर और जो है वो इन्हें दफन किया गया था तो और फिर जो है वो इनके जो तख्तियाँ हैं वो बजाय शुमाल के मतलब जैसे हम सराहाने की तरफ तख्ती होती है मुसलमान जो है वो कब्रें उनकी लेकिन इनकी जो जो कतबे हैं वो शुमाल के बजाय जनूब की तरफ लगाए गए। अच्छा इसी तरह एक और कब्र है ये कब्र जो है वो दीवार के बिल्कुल साथ है और कहते हैं कि जो है वो ये एक काजी की कब्र है। अच्छा इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस इमारत के नीचे कहते हैं एक तहखाना हुआ करता था। वो उस तहखाने में कुछ जंजीरों के साथ संदूक लटके हुए थे। अब उन संदूकों में क्या था ख़जाना था कोई दफ्तरी कागजात थे यानी हुकूमती कागजात थे नहीं पता लेकिन बहरहाल हम दोबारा जो है वो कब्र की तरफ आते हैं। ये इन साहब का नाम बताया जाता है सुल्तान करीमुद्दीन के ये जिन साहब की कब्र है ये सुल्तान करीमुद्दीन थे और ये काजी ये वक्त थे यानी अपने वक्त के काजी थे मुल्तान में और जो है वो मेरा ख्याल है कि मैं अगर यहाँ बैठ जाऊँ तो कोई ऐसी कबाहत नहीं है कब्र की कोई बेहरमती नहीं होगी क्योंकि मैं बिल्कुल साइड पर बैठा हुआ हूँ। तो ये काजी अकबर साहब की जो है वो कब्र थी जो काजी शहर थे और इन्हें बाकायदा जो है वो सज़ा दी गई थी शायद इन्होंने कोई गलत फ़ैसला कर दिया था और सज़ा भी जो है वो फांसी की दी गई थी। मतलब उस ज़माने में जो बादशाह थे या जो आला हुकाम होते थे वो इंसाफ के मामले में इतने मतलब हसास होते थे कि अगर कोई फ़ैसला गलत हो जाता था तो फिर वो फ़ैसला गलत करने वालों को सज़ा मिलती थी। काजियों को ये हुक्म था कि बादशाहों को बैठने के लिए ना कहें और बादशाह खुद भी जो है वो काजी की उतनी ही इज्जत किया करते थे जितनी की होनी चाहिए थी। ये जो काजी जो मतलब कोई गलत फ़ैसला करने के बाद फांसी की सज़ा जो है वो जिसको मिली उसे भी कोई मंतक समझ में नहीं आई कि उसे इस मस्जिद के सेन में क्यों दफन किया गया लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि जो है वो सज़ा देने वाले खुद सज़ा से नहीं बच सके। काश कि ऐसा निज़ाम मेरे मुल्क में भी हो काश ऐसा निज़ाम पाकिस्तान में भी हो। यहाँ तो हर कोई सिर्फ अपनी सोचता है हर कोई अपनी जेब भरने की कोशिश करता है हर कोई जो है वो दूसरे को सज़ा देने की कोशिश करता है दूसरों का हक मारता है। काश कोई यहाँ भी जो है ऐसा निज़ाम हो कि इसी तरह जो है वो ऐसे लोगों को फांसियाँ दी जाएँ और बेशक उन्हें ईदगाहों में दफन किया जाए या ना किया जाए बेशक उनकी लाशें कूड़ों के ढेर पर जो है वो फेंक दी जाएँ लेकिन ऐसा निज़ाम होना चाहिए क्योंकि कहते हैं मौला अली का फरमान है कि जो है वो कुफर का मुआशरा
चल सकता है, लेकिन नाइंसाफ़ी का मुआशरा जो है वो नहीं चल सकता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।